निपाह वायरस का पहला मामला सबसे पहले सिंगापुर मलेशिया में 1998 और 1999 में सामने आया था। ये सबसे पहले सुअर चमगादड़ या अन्य जीवों को प्रभावित करता है और इसके संपर्क में आने से मनुष्यों को भी चपेट में लेता है। मलेशिया में सबसे पहले इसके लक्षण दिखाई दिए थे जब एक व्यक्ति को इस वायरस ने चपेट में लिया और उसकी मौत हो गई थी। उसी गांव के नाम पर इसको निपाह नाम दिया गया। इस वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य संहिता में लिस्टेड किया गया है। कैसे फैलता है निपाह वायरस? निपाह वायरस मनुष्यों के संक्रमित सुअर चमगादड़ या अन्य संक्रमित जीवों से संपर्क में आने से फैलता है। यह वायरस इंसेफ्लाइटिस का कारण बनता है। यह इन्फेक्शन फ्रूट बेट्स के जरिए लोगों में फैलता है। खजूर की खेती करने वाले लोग इस इन्फेक्शन की चपेट में जल्दी आते हैं। 2004 में इस वायरस की वजह से बांग्लादेश में काफी लोग प्रभावित हुए थे। क्या है इसके लक्षण? इससे पीड़ित मनुष्य को इस इंसेफ्लेटिक सिंड्रोम के रूप में तेज संक्रमण, बुखार, सिर दर्द, अमानसिक भ्रम, विचलन, कोमा और आखिर में मौत होने के लक्षण नजर आते हैं। मलेशिया में इसके कारण करीब 50% मरीजों की मौत तक हो गई थी।